चाहे हाहाकार और पानी के लिए हुआ है प्रदर्शन, क्योंकि पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं और पानी अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा। हैरानी देखिए कि पानी पानी छत्तीसगढ़ हो रहा है, लेकिन पानी के लिए ही लोग और शहरवासी जो हैं उनको उठानी पड़ रही है परेशानी। आज भी नहीं मिला लोगों को पानी। पानी न मिलने से बीजेपी पार्षद हुए नाराज, महापौर और आयुक्त कार्यालय के सामने कर दिया प्रदर्शन। नगर निगम की व्यवस्था पर भी उठाए गए सवाल। 5 दिनों से दरअसल शहरवासी हैं परेशान और लगातार पानी की किल्लत से 2-4 हो रहे हैं लोग। कचरा फंस गया बाढ़ के कारण, मैं मान सकता इस बात को। मैं विगत 5 दिनों से पानी की घोर जल संकट हो गई है और जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। 5 दिनों से शहर की जनता पानी के लिए तरस रहे। आज इस मुद्दे को लेकर हमारे भाजपा पार्षद दल द्वारा नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, घेराव किया गया और जिम्मेदार जो महापौर हैं, आयुक्त हैं, इनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। दुर्ग की करेंगे, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में चोर गिरोह की दस्तक हुई। पुलिस ने इस मामले में 5 संदिग्ध महिलाओं को पकड़ा है। सोने के जेवरात चोरी करने की वारदातों को अंजाम देती थी। आरोपी महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है। भिलाई नगर थाना इलाके का यह पूरा मामला है। महिलाओं को गिरफ्त में ले लिया गया। मिथिलेश ठाकुर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, ऐसे जगह जहां पर धर्म कथा होती है, ये सॉफ्ट टारगेट होती है ऐसे लोगों के लिए, यहां पर भी ऐसी कुछ नजर आया, क्या पूछताछ में पता चला? देखिए पुनीत, अभी तो पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ में ये जरूर है कि जो महिलाएं वो काफी संदिग्ध महिलाएं और जो लोकल स्तर की नहीं है, ये कहीं बाहर से आती है और जहां भी इस तरह की भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं यहाँ उसी को टारगेट करती हैं। और खासतौर पर जब पंडित प्रदीप मिश्रा की जब यहाँ पर भिलाई में आज से कथा आरंभ हुई है, तो ये जो है इस भीड़ में जब लाखों की भीड़ आई है वहां पर ये महिलाओं के गले से चेन छीनने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान ये पकड़े गए हैं। अभी इस पूरे मामले पे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद में ये कि इन लोगों ने किन लोगों को अपना निशाना बनाया था, तो पुलिस जो है इनको हिरासत पर लेकर पूछताछ कर रही है और लोगों से अपील भी कर रही है कि यदि जो भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लोग जाते हैं कथा सुनने के लिए, वे अपनी सावधानी रखें ताकि ऐसे ही गिरोह जो होते हैं चोर गिरोह से वे बच सकें। बिल्कुल, और कीमती सामान भी नहीं ले जाना चाहिए, सोने चांदी के जेवरात पहनकर ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, पुलिस ये ताकीद करती है। वैसे पुलिस क्या कह रही है, सुनवाते हैं। स्टेडियम भिलाई कथा स्थल के आसपास संदिग्ध रूप से 5 महिलाएं घूम रही थी। ये लगातार महिलाओं को पीछा कर रही थी। संदिग्धता के आधार पर उन 5 महिलाओं को पकड़ा गया है। ये भीड़ में घुस करके महिलाओं से चैन छीन लेती हैं, चैन स्नेचिंग कर लेती हैं। की खबर की बात करेंगे। हाईकोर्ट ने वार्ड परिसीमन पर रोक लगा दी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार को एक बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगा है, इसे ऐसा माना जा रहा है। निकाय परिसीमन के बाद दावा आपत्ति मंगाई जानी शुरू हो गई थी। राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका और बेमित्रा नगर पंचायत में परिसीमन को मामले में चुनौती दी गई थी कोर्ट में, और राज्य सरकार ने 2011 की जनगणना को आधार माना था। 2014 और 2019 में भी इसी आधार पर परिसीमन किया गया था, लेकिन कोर्ट ने पूछा है कि एक ही आधार पर फिर से परिसीमन आखिर किया क्यों जा रहा है। तो ये एक बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है, राज्य सरकार को कोर्ट से ये झटका लगा। इधर रायपुर में आधे अधूरे पड़े स्काई वॉक का निर्माण पूरा किया जाएगा। स्काई वॉक वो है जिसको लेकर असमंजस में 5 साल निकल गए, सोचिए जरा। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में स्काई वॉक शुरू हुआ था, फिर रुक गया। क्या करेंगे इसका, कैसे होगा, क्या इस्तेमाल है इसका, तमाम तरीके की बातें हुई। 5 साल तक ये राजनीति का मुद्दा भी बना रहा। अब जब फिर से बीजेपी की सरकार आई है तो सरकार ने तय किया है कि स्काई वॉक का निर्माण पूरा कराया जाएगा। विष्णुदेव साय सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला ले लिया। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक में यह फैसला लिया गया। स्काई वॉक का उपयोग मुख्य तौर पर फुट ओवर ब्रिज के रूप में होगा। हालांकि इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि ऊपर सड़क के ऊपर चलेगा कौन, लेकिन अब इसका मुख्य तौर पर फुट ओवर ब्रिज के रूप में ही इस्तेमाल किया जाएगा। स्काई वॉक के अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बता दें कि रमन सरकार में शास्त्री चौक पर स्काई वॉक बनाने का फैसला लिया गया था, इसका निर्माण भी शुरू हो चुका था, लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार ने स्काई वॉक के निर्माण पर रोक लगाई थी। बीच में तो इसको डिमोलिश यानी गिराने तक की बात आ रही थी,
इसको लेकर राजनीतिक विवाद भी जमकर हुआ था। 2016-17 में स्काई वॉक निर्माण का काम शुरू हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, काम रुक गया और लगभग 7 साल से काम रुका हुआ है, लेकिन अब स्काई वॉक को फिर से निर्माण करने का जो बीड़ा है वो बीजेपी की सरकार, राज्य सरकार उठाने जा रही है। हालांकि लोग अलग अलग तरीके से अपने जो अपनी बात है वो रख रहे हैं, कोई कह रहा है कि स्काई वॉक का निर्माण नहीं होना चाहिए और कोई इसे उपयोगी बता रहा है, लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अधूरे काम फिर से शुरू होंगे। आगे बढ़ेंगे। रायपुर के तेली बांधा में जो शूटआउट हुआ था, इस मामले में रायपुर की पुलिस को एक के बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगती जा रही है। झारखंड पुलिस ने विक्रम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये विक्रम जो है ये रायपुर शूटआउट मामले में वेपन लेकर रायपुर आया था। जल्द ही रायपुर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर आरोपी को रायपुर भी लेकर आएगी। पंजाब से एक आरोपी अमनदीप को प्रोटेक्शन वारंट पर रायपुर लाया जा रहा है। अमनदीप शूटर्स को पैसा उपलब्ध कराने का काम किया करता था। नाम के व्यक्ति को रायपुर क्राइम ब्रांच की भी एक टीम उसमें शामिल थी, उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ किए जाने पर हमें यह सूचना मिली है कि उसने रायपुर में भी जो घटना हुई थी उसमें वेपन लेके आना स्वीकार किया है। उसको भी प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से यहाँ पर लेकर आया जाएगा और प्रकरण में उसकी विधिवत अरेस्टिंग की जाएगी। साथ ही टेक्निकल इनपुट के आधार पर और भी हमारी कार्रवाइयाँ अभी जारी हैं और इसमें जितने भी लोग हैं उन्हें एक एक करके गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं रायपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। राजधानी में निगम ने बुलडोजर चलाया है और सिविल लाइन में अतिक्रमण पर ये निगम का बुलडोजर चला है। बड़ी संख्या में अवैध दुकानों को हटाने का काम ये रायपुर में किया गया है। सिविल लाइन क्षेत्र जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण करके रखा गया था, जिसको हटाने का काम आज बुलडोजर की कार्रवाई से किया गया और अवैध दुकानों को हटा दिया गया। बिलासपुर से खबर आपको बताएंगे, जहां पर कांग्रेस के पार्षद पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पर फर्जी रसीद से वसूली करने के आरोप लगे हैं और कमिश्नर के पत्र पर कांग्रेस पार्षद अमित सिंह के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। सरकंडा थाने में वार्ड नंबर 50 का ये पार्षद बताया जाता है, जो कांग्रेस पार्टी से है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 40 दुकानें लोगों को दी गई हैं, जिनमें से 9 दुकानदारों के पास संदिग्ध रसीद मिली है। पार्षद ने फर्जी रसीद देकर हर दुकानदार से 18,700 रुपए वसूल लिए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मलेरिया और डायरिया का कहर जारी है। अंबिकापुर में डायरिया से 13 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बच्चे की मौत के बाद टीम खुजी पहुंची और लोगों को डायरिया को लेकर जांच की गई। यहां से पानी के सैंपल भी इकट्ठा किए गए। वहीं कांकेर से खबर बताते हैं आपको, जहां पर बस्तर फाइटर्स के फाइटर के एक जवान जो हैं उनकी मलेरिया से मौत हो गई। बीमार होने के बाद जवान अपने घर आए थे और हालत बिगड़ने पर उन्हें रायपुर रेफर किया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें कि नक्सल मोर्चे में तैनात जवानों को मलेरिया का सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। उत्तम मंडावी नाम के एक कांस्टेबल है हमारे बस्तर फाइटर में। ये पिछले दिनों में छुट्टी पर गया था और घर पे जब था उस समय मलेरिया हुआ, लेकिन इलाज के दौरान फिर इनको रायपुर रेफर किया गया है, लेकिन तब तक काफ़ी सीरियस हो चुका था और ब्रेन काफ़ी इफेक्ट हुआ है, जिसके कारण कल रात में इनका डेथ हुआ है। बीजापुर से सटे तेलंगाना की सीमा पर नक्सल मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नक्सली को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया। तेलंगाना के दामरा तोगु जंगल में यह मुठभेड़ होनी बताई गई। मारे गए नक्सली की पहचान भी कर ली गई है, इसका नाम नल्ला मारी अशोक उर्फ विजेंदर। इलाके में सर्चिंग अभियान भी तेज कर दिया गया।
इधर सुकमा में 5 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 3 महिलाओं समेत 5 माओवादियों ने सरेंडर किया है हथियार डाले। 3 पर इनमें से 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बताया ये जा रहा है कि नक्सली कमांडर से तंग आकर इन सभी ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। उधर सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो चुकी है। जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुल पर नक्सलियों ने आईईडी को प्लांट करके रखा था और जवानों को निशाना बनाने की यह साजिश थी, लेकिन पुल पर नक्सलियों ने गड्ढा बना रखा था और इसमें आईईडी प्लांट करके रखा था। देखिए तस्वीरें, जवानों ने पुल पर बने गड्ढे को बंद कर दिया। सरगुजा जिले के मैनपाट नर्मदापुर की नाबालिग बेटी पिछले 2 साल से लापता है। उसके पिता और परिजन बेटी की तलाश के लिए दर दर भटक रहे हैं। परिजनों ने राज्य महिला अध्यक्ष से बेटी का पता लगाने की गुहार लगाई। लापता लड़की के पिता ने मानव तस्करी की आशंका जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर काम करने वाली एक महिला ने ही उनकी नाबालिग बेटी को गायब किया है। उनकी बेटी को पढ़ाने लिखाने के नाम पर ले जाया गया, जिसके बाद से बेटी लापता हो गई। पिता ने पुलिस से कई बार फरियाद लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा है कि यह मामला बेहद गंभीर है और आयोग ने इस पूरे मामले की सुनवाई रायपुर में सुनिश्चित करना तय किया है। से 11 महीना 13 तारीख से जो मेरा बेटी निकली है, बेटी कहीं से मिल जाए, मैं अपना बेटी चाह रहा हूं भैया। मेरा बेटी आ जाए तो बहुत अच्छा बात, लेकिन मेरा उम्मीद लगता है कि मेरा बेटी जिंदा है। बहुत दूर गया, एसपी के पास गया, आईजी के पास गया। 11-12 साल की उम्र की बच्ची गायब हुई है और मानव तस्करी का एक संदेह है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 2 साल से दोनों पक्ष, मतलब लड़की के माता पिता शिकायत कर रहे हैं और जो सस्पेक्ट है लेडी, उसके खिलाफ पुलिस जांच कर रही है, परंतु अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इसलिए इस पूरे प्रकरण में हमने इस प्रकरण को रायपुर ट्रांसफर किया है और एसपी और आईजी से रिपोर्ट लेने के बाद इस पूरे प्रकरण की सुनवाई रायपुर में करेंगे। बारिश की बात कर लेते हैं तो लगातार बारिश के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। हालांकि औसतन कम बारिश की वजह से किसानों के खेतों में दरार की स्थिति बनने लगी थी, लेकिन अब लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद किसानों को खेती करने के लिए पानी की जरूरत पूरी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वनांचल गांवों में भारी बारिश के कारण लोग बाजार तक पहुंचने के लिए भी उफनती नदी नालों को पार करने के लिए मजबूर हैं। यहां तक कि लोग बच्चों को पीठ पर लादकर उफनती नदी को पार करते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्या है, बरसात जब लगता है ना तो क्या उफान पूरा रहता है उसमें नदी में, महीना डेढ़ महीना कम से कम, नहीं तो नहीं हटाता हूँ, आना जाना बंद रहता है। फिर ये बच्चों का स्कूल आने में सब टोटल बंद रहता है। नदी में उफान रहता है उसमें तो बच्चे नहीं आते हैं हमारे। हमारे यहाँ एक लड़का है जो नदी के उस पार से आता है। आज बारिश हुई है तो आज नहीं पहुंचा है, वो नहीं आया है स्कूल। अब इनकी वैकल्पिक व्यवस्था हम अपनी ओर से क्या करें, हम तो बच्चा नहीं आएगा तो अनुपस्थित ही लगते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मड़वाही ग्राम पंचायत के एक नदी के किनारे। नदी का नाम है हथगड़ी नदी, जो सोन नदी की सहायक नदी है। और किसानों के मन में इस वक्त खुशी भी है कि कुछ दिनों से जो कम बारिश थी, उस अब बारिश होने की वजह से खेतों में पानी आ गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक दृश्य ऐसा भी है, हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां इस स्कूल में पहुंचने के लिए बच्चों को इस उफनती नदी को पार करना होता है। और हम जो जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे आप देख सकते हैं कैसे एक बच्चे के परिजन उनको कांधे पर लेकर आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि पानी अभी ज्यादा होने के कारण इन परिजनों को अपने बच्चों को नदी पार कराना पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मोहल्ले में जहां जिनके परिजन नहीं है और वो स्कूल नहीं आ सकते क्योंकि पानी में इस वक्त उफान है। और आप देख सकते हैं कैसे ये परिजन अपने बच्चे को जान जोखिम में डालकर नदी पार करा रहे हैं। इसी तरह जो ये गांव है, इस गांव से जो बाजार की निस्तारी है और बाजार करने के लिए इस नदी में पानी जब उफान पे रहता है तो निस्तारी नहीं हो पाती, लोग अपने मोहल्ले में ही अटक जाते हैं। और देख सकते हैं आप कुछ बच्चे हैं जो वो वेट कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी पार कराया जाएगा। और ऐसे में इस जगह पे प्रशासन को
एक पुल बनाने की आवश्यकता है। कई वर्षों से इस गांव की मांग है कि यहां एक पुल होना चाहिए जहां बच्चे और इस गांव के लोग गांव तक पहुंच सके। सुबीर चौधरी, गोरिल्ला पिंडरा, मरवाही, न्यूज 18। गरियाबंद में स्कूल के विद्यार्थी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। अमलीपदर सूखा नदी का यह पूरा मामला है। तेज बारिश से नदी उफान पर होती है, पुल नहीं होने की वजह से ग्रामीण परेशान होते हैं। 2 सालों से पुल निर्माण का काम चल ही रहा है, स्कूल के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का सिलसिला भी चल ही रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो। से जल्दी ठीक किया जाए ताकि हमको स्कूल जाने में आसानी हो। हमारे तो 10th है तो बोर्ड क्लास है, रुक जाती है, पढ़ाई बहुत हो रही है आजकल। मैं तो गिर गई वो गड्ढा में। कब गिर गए? वो आते समय अभी बारिश का दिन शुरू हुआ है तो कितना परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत परेशानी करना पड़ा। अब आपको कांकेर की तस्वीर भी दिखा लेते हैं। यहाँ पर नौनिहाल अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। छात्र पानी को पार कर ऐसे ही स्कूल जाते हैं। बारिश से नदी उफान पर आ जाती है, हर मानसून में यही स्थिति बन जाती है। बच्चों की जान को खतरा होता है। लंबे समय से रानी डुंगरी और गावडे गांव के पास नदी में पुल बनाने की मांग चल रही है, लेकिन अभी तक इसको सुना भी नहीं गया। और बलौदाबाजार की भी तस्वीर बात कर लेते हैं। यहां पर भी पुलिया नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए उन्हें कंधों पर बिठाकर नाला पार कराते हैं। दिलचस्प यह है कि यहां पर मीडिया पहुंच जाती है इन सभी जगहों पर। इसके पहले की तस्वीरें भी आप याद कर लीजिए, मीडिया पहुंच जाती है, सरकार पहुंच नहीं पाती है। और तो और इनकी गुहार भी सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाती है। अगर पहुंच पाती तो ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आती। पलारी विकास खंड के चेरकाडी में गांव के बीचों बीच बड़ा बरसाती नाला है और नाले के इस तरफ गांव पड़ता है, उस पार स्कूल अस्पताल पड़ता है। बच्चों को ऐसे ही स्कूल जाना पड़ता है। कोई बीमार पड़ गया तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। ऐसे ही लोग ऐसे पार कराकर, नाले को पार कराकर मरीज को ले जाते हैं एम्बुलेंस तक। स्कूल जाने के लिए आखिर कितनी समस्या है, ये बलौदा बाजार जिले के छेरकाडी में आप देख सकते हैं। तमाम बच्चे हैं और लगभग सीने जैसा इतना गड्ढा ये पार करके जाते हैं। इन गड्ढों को पार करके स्कूल जा रहे हैं लेकिन प्रशासन और सिस्टम के अधिकारी को कुछ भी नजर नहीं आता। बेटा रोज जाता उसने स्कूल? रोज जाता? काकर संग में जाता? मोर पापा संग। रोज? और ज्यादा गड्ढा आते कैसे करता? नहीं जामन। स्कूल जाना बंद कर देते? भैया रोज हंसने जाते हैं? हाँ, ऐसा नहा कर जाता है, रोज बाढ़ आता है तो फिर बंद कर देता है 2-3 हफ्ता। ये देख सकते हैं। कितना पढ़ता है भाई? मैं 11वीं में हूँ भैया। अभी रोज ऐसे स्कूल जाता हूँ? रोज नहीं जा पाते, क्या है ना पानी के मतलब हिसाब से जाते हैं। देख सकते हैं कितना गड्ढा है। जैसे जैसे हम नाले को पार कर रहे हैं अभी कमर तक आ चुके हैं पानी। अभी और इधर जाएंगे तो देखिए गड्ढा किस तरह से, ये बता रहा है कि जो सिस्टम है, प्रशासन है, आखिर क्या कर रही है। इतने गड्ढे में लोग स्कूल जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन और सिस्टम के उन आला अफसरों को ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर लापरवाह सिस्टम आखिर नाले में पुलिया कब बनाएगा और लोगों की किस्मत कब बदलेगी। समस्याएं तो आम बात है, समस्याएं होना आम बात है, लेकिन बारिश के समय में ये पुल की जो समस्या है आखिर कब समाधान होगी, लिहाजा देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार और सिस्टम के आला अधिकारी कब तक सामने आएंगे। कैमरामैन देवा के साथ योगेश यादव, न्यूज 18, बड़ौदा बाजार। सूरजपुर की बात करेंगे। मरीज को कावड़ में एम्बुलेंस तक ले जाने का वीडियो सामने आया है। क्यों? क्योंकि गाँव में सड़क और पुलिया नहीं है, मौके पर एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती, ऐसे ही ले जाना पड़ता है। और ये मानकर चल रहे हैं यहाँ के लोग कि ये स्थिति जो है इसी से उनको दो चार होना है, क्योंकि सुनने वाले सुन नहीं रहे हैं। 3 किलोमीटर तक मरीज को कावड़ में एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। अब एम्बुलेंस आई, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति मरीज की होगी। और 3 किलोमीटर ऐसे ही कावड़ में ले जाया गया तो कितनी देर में ये लोग पहुंचे होंगे। उल्टी दस्त से पीड़ित मरीज को बिहारपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहारपुर क्षेत्र के सपहा गांव का ये पूरा मामला है।
खंडवा से खबर सामने आई है, ये आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। खंडवा से लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, स्कूली बच्चों से भरे वाहन को उफनते नाले को पार करा रहा था ड्राइवर। जी हां, मामला मूंदी क्षेत्र के बावली नाला का। उफनते नाले को कोई वैसे तो पार नहीं कर रहा था, लेकिन ड्राइवर बच्चों की गाड़ी के साथ ही इसको पार करता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने तस्वीरें सामने आई हैं। पानी कम होने का दूसरी तरफ लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये ड्राइवर जो है इतनी जल्दबाजी में था कि ये इसको ऐसे ही पार करके चला गया। छोटे छोटे बच्चे थे, हादसा हो सकता था। वहीं पेंड्रा की बात कर लेंगे, हाथियों का उत्पात यहां पर देखने को मिल रहा। मकानों में तोड़फोड़ हाथियों ने की है, खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। मरवाही के जंगल में दंतैल हाथी घूम रहे हैं, वन अमला लगातार निगरानी इनकी करने में जुटा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। उधर गरियाबंद में चिंगार पगार वाटरफॉल को बंद कर दिया गया है। वाटरफॉल के पास दरअसल दंतैल हाथी घूम रहे हैं और ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर इसे बंद करने का फैसला हुआ है। ये हाथी पैरी नदी सीमा पर मौजूद हैं, आसपास के गांवों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।